सलमान भाई को किस बात से डर लगता है? सलमान भाई ने इस बात का खुलासा कर दिया है, न थप्पड़ से न प्यार से, लेकिन भाई को डर लगता है दोस्तों क्रिटिक्स से। आइए बात करते हैं क्या है ये माजरा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। दोस्तों सलमान भाई ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बताया कि भारत फिल्म को जिस तरीके से क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, उन्हें उस बात से डर लगता है। जब जब आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब क्रिटिक्स ने मुझे दुत्कारा है, मेरी फिल्मों को उन्होंने पुअर परफॉर्मेंस के तौर पे प्रेजेंट किया है दोस्तों, तो वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती हैं। और अगर बात करें तो जब जब मेरे काम को सराहा गया है, अप्रिशिएट किया गया है, उस दौरान फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। तो भाई ने सीधे बात पर बोल दिया है कि क्रिटिक्स जो इस तरीके से भारत को अच्छे रिस्पॉन्स के साथ बता रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का डर लगता है। भाई से जब पूछा जाता है कि अच्छा आप एक बात बताइए कि आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है इसी इंटरव्यू के दौरान, तो भाई बोल देते हैं कि मेरे जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं वो मेरे पापा हैं, यानी कि मिस्टर सलीम खान है। सलीम खान उन्हें हर एक बात की गाइड करते हैं, हर एक बात के लिए बताते हैं, ऐसा करो, ऐसी फिल्में चुनो, ये करो, वो मत करो, सारी ही चीजें सलीम खान जी बताते हैं। सो ऐसे में दोस्तों भाई ने तो कह दिया है, अब आपको क्या है कहना भाई की इन बातों को लेकर, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताइएगा। बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि मैं राहुल भोज इसी तरीके की चटपटी और दिलचस्प बातें बताता रहूंगा। क्यों आया अक्षय कुमार को गुस्सा? क्यों अक्षय कुमार को अभी फील हो रहा है कि उन्हें बिट्रे किया गया है, और ये और कोई नहीं बल्कि उनके खास दोस्तों के द्वारा किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। बताना चाहता हूं डेक्कन क्रॉनिकल की एक खबर के मुताबिक क्या हुआ है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि 2020 के स्टार्टिंग में ही सूर्यवंशी का पोस्टर रिलीज किया गया था, और सभी लोग इस बात को लेकर एक्साइटेड थे कि ये ईद 2020 में रिलीज हो रही है। ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन था, क्योंकि भाईजान सलमान खान ने अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं किया था। उसके बाद दोस्तों फिल्म को लेकर चर्चाएं होती हैं, ऑडियंस के बीच में क्लैशेस होते हैं, फैंस के बीच में तकरार होती हैं, और बहुत सारी चीजें। और उसके बाद आपको बताना चाहता हूं कि नोटबुक के प्रमोशन के दौरान भाईजान सलमान खान ने इस बात का ऐलान कर दिया कि यस वो आ रहे हैं इंशाल्लाह को लेकर ईद 2020 में। अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि ये ऐसे ही भाई ने बोल दिया है और कुछ ना कुछ स्टेप होगा, लेकिन माहौल गर्मा गर्मी का हो गया। और आपको बताना चाहता हूं कि अक्षय कुमार फैंस वर्सेस सलमान खान फैंस हो गया। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते दिखे हमें फैंस, और साथ ही साथ उनके स्टार्स को भी वो डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। अब फाइनली दोस्तों ये बात हमें पता चलती है कि भाई की तरफ से कंफर्मेशन हो गया है कि ईद 2020 में वो लेकर आ रहे हैं इंशाल्लाह, जो कि संजय लीला भंसाली सर की फिल्म है, और इस फिल्म में आलिया भट्ट उनके साथ होंगी। अब क्या होता है? अब ये होता है दोस्तों कि अक्षय कुमार साहब की फिल्म यानी कि सूर्यवंशी की डेट को प्रीपोन कर दिया जाता है और 27 मार्च 2020 रख दिया जाता है। इस पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आती हैं, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि डेक्कन क्रॉनिकल की खबर आई है और उसके मुताबिक अक्षय कुमार नाराज हैं। अक्षय कुमार आग बबूले हो रखे हैं गुस्से से कि उनके दोस्तों ने ही उन्हें बिट्रे किया और उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं दी कि वो डेट को प्रीपोन कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूं डेक्कन क्रॉनिकल को बताए गए सोर्स ने जो बात बोली है वो ये बोली है कि अक्षय कुमार को तो भनक तक नहीं लगी और सलमान खान और रोहित शेट्टी ने साथ में बैठकर मिल बांट कर ये बात को तय कर लिया और फिल्म की रिलीज डेट को प्रीपोन कर दिया। आपको अगर याद होगा दोस्तों तो आपने देखा था कि किस तरीके से रोहित शेट्टी और सलमान भाई का एक पोस्टर रिलीज किया गया था और उस पोस्टर में दोनों की बॉन्डिंग को दिखाया गया था और उस पोस्टर को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था और ये बात का ऐलान कर दिया गया था कि 27 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों कि इसकी क्या ऑफिशियल बातें सामने आती हैं, क्या प्रोडक्शन पे भी इसका असर होगा, या फिर अक्षय कुमार साहब इन बातों को भुलाकर अपने काम पर फोकस करेंगे। दोस्तों आपको क्या है कहना, क्या ये सचमुच में गुस्से वाली बात है या नहीं है? सारी बातें बोल दीजिए, बने रहिए चैनल के साथ, राहुल भोज इसी तरीके की बातें आपको बताता रहेगा। सो देखते रहिए।